ऐसा शिवलिंग जिस पर हर 12 साल पर गिरती है बिजली। हमारे देश में कई शिवालय हैं, शायद ही ऐसा कोई गांव होगा जहां शिवालय नहीं होगा। हर गांव में शिवालय है, यही कारण है कि भारत एक शिवालयों का देश है। इन शिवालयों में भगवान शिव की पूजा शिवलिंग के रूप में की जाती है। हर शिवलिंग की स्थापना के पीछे कई कथा कहानी है, लेकिन आज हम ऐसे शिवलिंग की कहानी बताने जा रहे हैं जिस पर हर 12 साल पर एक बार बिजली गिरती है। यही कारण है कि इस शिवलिंग को बिजली महादेव के नाम से जाना जाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में एक रहस्यमय शिव मंदिर है जिसकी गुत्थी आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। ऊंची पहाड़ियों पर स्थित इस मंदिर पर पार्वती और व्यास नदी का संगम भी है। इस मंदिर पर कहर 12 साल में आकाशीय बिजली गिरती है, लेकिन इसके बाद भी मंदिर को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होता। सदियों से चले आ रहे इस रहस्य के बारे में जानते हैं कुछ रोचक बातें। मान्यता है कि यहाँ की विशालकाय घाटी सांप के रूप में है, जिसका वध महादेव के द्वारा किया गया था। मान्यता के अनुसार भगवान शिव की आज्ञा लेकर ही हर 12 साल पर भगवान इंद्र बिजली गिराते हैं। बिजली गिरने के कारण शिवलिंग खंडित हो जाता है। उसके बाद यहाँ के पुजारियों द्वारा खंडित शिवलिंग को मक्खन से जोड़ा जाता है। इस शिवलिंग को स्थानीय लोग मक्खन महादेव कहते हैं, तो कुछ लोग इसे बिजली महादेव का शिवालय भी कहते हैं। भोलेनाथ का यह शिवलिंग कुल्लू से 18 किलोमीटर की दूरी पर मथान नामक स्थान पर स्थित है। इसके पीछे की कहानी, पौराणिक कथा में बताया गया है कि इस मंदिर में कुलांत नाम का एक दैत्य रहा करता था। एक बार उसने सारे जीवों को मारने के लिए व्यास नदी का पानी रोक दिया। यह देख महादेव क्रोधित हो गए। उसके बाद महादेव ने एक माया रची। भगवान शिव दैत्य के पास गए और उसे कहा कि उसकी पूंछ में आग लगी है। महादेव की बात को सुनकर दैत्य ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो शिवजी ने त्रिशूल से कुलांत के सिर पर वार किया और वह वहीं मर गया। कहा जाता है दैत्य का विशालकाय शरीर पहाड़ में तब्दील हो गया, जिसे आज हम कुल्लू के पहाड़ कहते हैं। क्यों गिरती है बिजली? कथा के अनुसार जब भगवान शिव ने कुलांत दैत्य को मार दिया, उसके बाद उन्होंने इंद्र से कहा कि वे हर 12 साल पर बिजली गिराए। बिजली गिरने से शिवलिंग टूट जाता है, जिसे यहाँ के पुजारियों द्वारा इसे मक्खन से ठीक कर दिया जाता है, जो बाद में कठोर हो जाता है। कैसे पहुँचे बिजली महादेव टेंपल? कुल्लू से 26 किलोमीटर की दूरी पर चंसारी बस स्टैंड से 3 किलोमीटर और मनाली से 60 किलोमीटर की दूरी पर बिजली महादेव मंदिर हिमाचल प्रदेश राज्य के पवित्र मंदिरों में से एक है। यह कुल्लू घाटी में लगभग 2460 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। मंदिर के खुलने का समय सुबह 6 से शाम 8 बजे तक है। ऐसे ही विभिन्न विभिन्न जानकारियों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और साथ ही साथ हमारे चैनल को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।